दोस्तों आज का जो मेरे पास क्वेश्चन आया है बहुत ही कॉमन है। हम सब लोगों के साथ ऐसा होता है, मन में ख्याल आते हैं कि यार ये कर लूँ। आज ख्याल आया कि मैं पायलट बन जाता हूँ, कल ख्याल आया मैं साइंटिस्ट बन जाता हूँ, परसों ख्याल आया मैं एस्ट्रोनॉट बन जाता हूँ, तरसों ख्याल आया मैं क्रिकेटर बन जाता हूँ। करियर को तो आप छोड़ ही दो, कभी ख्याल आता है जिम ज्वाइन कर लूँ, कभी ख्याल आता है वॉकिंग करना चालू कर दूँ, कभी ख्याल आता है एक्सरसाइजिंग कर लूँ, कभी ख्याल आता है डांसिंग कर लूँ। सेहत के लिए भी लोगों को अलग अलग ख्याल आते हैं, लेकिन लोग कुछ कर नहीं पाते। ज़्यादातर तो वो उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते, और शुरू कर भी लेते हैं तो पहले या दूसरे स्टेप पे ही वापस हो लेते हैं। उनको कोई और चीज़ लुभाने लगती है, इस चीज़ की परेशानियाँ परेशान करने लगती हैं, इस तरीके से पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अब कोई तुम अनोखे नहीं हो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि भैया परेशानी क्या है, एक चीज़ क्यों नहीं कंप्लीट कर पाते। भाई जब तुम कोई चीज़ को शुरू ही ढंग से नहीं करोगे तो कंप्लीट कैसे करोगे? जब तुम्हारा शुरुआत करने का तरीका, तुम्हारी सोच ही खराब है, तुम्हारी नीयत ही खराब है उसको शुरू करने की, तुम क्यों शुरू कर रहे हो? तुमने चार लोगों को सक्सेसफुल देख लिया, फ्लाइट में बैठे पायलट को देख लिया तो पायलट बन जाऊंगा, मैच देखा तो क्रिकेटर बन जाऊंगा, चंद्रयान गया तो साइंटिस्ट बन जाऊंगा, इलॉन मस्क को देख लिया तो एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, वो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देख के, उनकी सक्सेस को, उनके पैसे को, उनके फेम को देख के ले रहे हो, तो ये तो शुरुआत ही गलत हो गई ना। दूर से तो दोस्तों पहाड़ बहुत ही मेस्मराइजिंग लगते हैं, सुंदर लगते हैं, बर्फ़ की चादर होती है, मन करता है कि चढ़ जाएं। लेकिन क्या पहाड़ पे चढ़ना इतना आसान होता है कि आपने सोचा और आप हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर पहुंच गए? नहीं होता ना, मीलों चलना पड़ता है, ऊंचाइयों पे चलना पड़ता है, रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे आते हैं, अजीब अजीब से टूटे हुए रास्ते आते हैं, गिरने का भी डर होता है, कई बार गिरते भी हो, चोटें भी लगती हैं, तब जाके आप पहाड़ पे पैदल चढ़ पाते हो, ट्रैकिंग कर पाते हो। तो सिर्फ पहाड़ों को देख के उन पे चढ़ने के सपने देखना सही नहीं है। पैशन बनाओ तो रिसर्च करने के बाद बनाओ, अच्छे से रिसर्च करो ना। कोई भी एक करियर पाथ है, क्रिकेटर है, क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ कोचिंग लेके महंगी क्रिकेटर नहीं बन जाओगे आप, सालों की प्रैक्टिस लगती है, टाइमिंग सीखनी पड़ती है, हर चीज़ फील्डिंग से लेके बॉलिंग बैटिंग सब कुछ अच्छे से सीखना पड़ता है, चोटें खानी पड़ती हैं, कोच की गालियाँ खानी पड़ती हैं। इसी तरह दोस्तों साइंटिस्ट बनना है तो सालों साल बिना टाइम देखे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, रिसर्च में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उसको खुशी से करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक घंटे पढ़ाई करके परेशान हो रहे हो और बनना है आपको साइंटिस्ट, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आप गोल फॉर्म कर रहे हो उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको रिसर्च करनी है। आपको ये समझना है कि इसमें सक्सीड करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या मुझ में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कितनी मुझे प्रैक्टिस करनी है, कितनी मेहनत और लगन से मुझे काम करना है, कितने साल काम करना है। सबसे पहले तो इस बात का एनालिसिस कर लेना, वरना उस गोल की शुरुआत मत करना, जिम की फीस मत दे आना। सबसे पहले ये सोचना मुझे कितने टाइम निष्ठा से ये काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने में कितनी तकलीफ होती है, शुरू शुरू में तो हाथ पैर जाम हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को पहले ही एनालाइज करो। जितना टाइम आप शुरू में एनालिसिस में दोगे, रिसर्च में दोगे, उतना ही आप उस डिसीजन को लेके श्योर हो जाओगे। अच्छा क्या है, जब आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया तो आप आसानी से भाग भी नहीं सकते। जब आप काम शुरू करोगे, जब आपको परेशानी आने लगेंगी तो आप सोचोगे यार मैं इतना टाइम तो लगा चुका हूँ, अब भागूंगा तो फिर इतना टाइम किसी और चीज़ में लगाना पड़ेगा, तो एक ये बेनिफिट भी हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप कोई भी पैशन, कोई भी हॉबी, कोई भी टास्क या गोल परस्यू करना चालू करते हो, आप ये मान के चलना कि शुरू के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। बार बार गिरोगे तो आपको उठना है, बार बार फेल होगे तो आपको उस फेलियर से सीख के आगे बढ़ना है। शुरू में कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी। शुरू में दोस्तों आप 100 बार गिरोगे, लेकिन 101वीं बार आप दौड़ने लगोगे तो सक्सेस हमेशा कंपाउंडेड मिलती है। शुरू में सिर्फ ये सोचना है जो मैं बार बार गिर रहा हूँ यही मेरी सीख है, इसी से मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ, इसी से मैं काबिल बन रहा हूँ, यही मुझे मदद करेगा। तो इसलिए टास्क को हमेशा मान के शुरू करना कि परेशानियाँ शुरू में बहुत ज़्यादा आनी ही आनी है। जितनी परेशानी आएंगी उतने आप बेहतर बनोगे, उतने ही आप आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि ज़रा सी परेशानी आई चल भैया दूसरा टास्क पकड़ लो। अगर आपने एक टास्क को कुछ ही दिनों में त्याग दिया तो ये मान के चलना जो आप अगला टास्क पकड़ोगे उसके साथ भी आप यही करोगे, और उसके बाद जो टास्क पकड़ोगे उसके साथ भी आप यही करोगे। पहले ही एडवांस में सोच लो ना, बजाय तीन टास्क में चार टास्क में अपना टाइम बर्बाद करने से पहले ही सोच लो कि आज मैं जिम जाके परेशान हो रहा हूँ तो मैं कल वॉकिंग करके भी परेशान होऊंगा, परसों डांस करके भी परेशान होऊंगा, तरसों एक्सरसाइज करके भी परेशान ही होऊंगा और फिर छोड़ दूंगा। अच्छा जो अब मेन बात आती है वो है कि सपने तो बहुत लोग देख लेते हैं, हर इंसान देख लेता है, पैशन भी सब लोग बना लेते हैं दूसरों को देख के या जो भी देख के, लेकिन इनिशिएट नहीं कर पाते, शुरू नहीं कर पाते। जब आपने एक चीज़ के बारे में एक बार रिसर्च कर ली, रिसर्च करके आपको संतुष्टि होगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके बाद आपने डिसीजन ले लिया,
ये तो हो गया डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो है एक्शन लेना, डीड्स को करना, कर्म को करना, इनिशिएट करना। 99% लोग तो इनिशिएट ही नहीं कर पाते और सपने देख के और भाग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप शुरू कैसे करोगे किसी भी गोल को कंप्लीट करने में, सक्सेस अचीव करने में। जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो है स्टार्ट करना, कर्म करना, डीड्स करना। तो जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो उसको शुरू करना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन लेने से पहले तो आपने बहुत रिसर्च कर ली, लेकिन जब आपने फाइनल कर लिया कि हाँ मुझे जिम ज्वाइन करना है, हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है, हाँ मुझे साइंटिस्ट बनना है, हाँ मुझे पायलट बनना है, हाँ मुझे बिजनेसमैन बनना है, जो भी आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद आपने उसको इनिशिएट कर देना है हाथों हाथ। कुछ नहीं भी आता ना, कोई रिसोर्स नहीं भी है, तो जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, चाहे इंटरनेट ही अवेलेबल है, चाहे लाइब्रेरी ही चले जाओ, चाहे किसी के पास चले जाओ, आपको एक स्टार्ट करना है। एक दो हफ्ते तो आपने बिल्कुल बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी प्रोफेशनल के उस चीज़ में अपने आप ही लगा देने हैं। 100 चीज़ें नेगेटिव होंगी, 100 परेशानियां नज़र आएंगी। काम स्टार्ट करते ही शुरू में तो बहुत बुरी बुरी तरह गिरोगे, लेकिन आपने सिर्फ एक गोल बनाना है, अभी मैंने अपने कर्म करने हैं। शुरू के एक दो महीने और कहीं बड़े टास्क में तो एक दो साल भी आपने पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, सक्सेस को इवेल्युएट करना ही नहीं, सिर्फ कर्म करते जाने हैं, काम को करते जाना है। हर सुबह उठते ही बिना घड़ी देखे उस काम को करना है, तब जाके उस काम में कुछ बात बनेगी। इसके बिना कोई भी बात नहीं बनेगी, वही इधर से उधर कूदते रहोगे और कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों एंड में मैं यही कहूँगा कि पहले तो आपने गोल बनाना है, अच्छे से बनाना है, रिसर्च करके बनाना है, ये देख लेना है मैं ये चीज़ कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये चीज़ मुझे इंटरेस्ट कर रही है नहीं कर रही, या मैं सिर्फ लोगों को सक्सेसफुल देख के ये चीज़ करना चाहता हूँ। अगर आपको फाइनली यकीन हो जाता है ये चीज़ मुझे इंटरेस्ट कर रही है, आपको एक लेआउट, एक बेसिक लेआउट, जो जो उसमें चीज़ें करनी है उनका पता चल जाता है, ये सब करने के बाद आपने एक फाइनल डिसीजन लेना है, उससे पहले नहीं लेना। और जब आपने फाइनल डिसीजन ले लिया, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मेहनत, निरंतर मेहनत, बिना टाइम देखे मेहनत, गिरते हुए फेल होते हुए मेहनत, क्योंकि फेल तो आपने शुरू में होना ही होना है। एक बार नहीं होना, 10 बार नहीं होना, 20 बार होना है। ये मत सोचना कि 2 बार फेल हो गया तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा, 3 बार फेल हो गया तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है। शुरू में 5-10 बार तो आपने मुड़ के ही नहीं देखना, बस गिरना है, उठना है, सीखना है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के शुरू के कुछ महीने या कुछ साल आपने उस काम के लिए जितना वो बड़ा है उस हिसाब से टाइम देना है और लग के मेहनत कर लेनी है, तो आप डेफिनेटली 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ को अचीव कर लोगे। कोई भी टास्क, कोई भी गोल, कोई भी पैशन इस दुनिया में इतना बड़ा नहीं है कि एक इंसान ठान ले तो उसको अचीव ना कर पाए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।